नमस्कार दोस्तों, MCG एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को होता है, आरपी प्रिटेड टेस्ट चल रहे हैं और लगातार अपडेटेड वीडियो आप लोगों के लिए मैं भेजता रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आप सभी बोलना चाहूँगा कि आप लोगों को इन भाई का ज़रूर एक्सपीरियंस पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना है और शेयर ज़रूर करना है। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलूँगा, कोई लाइक नहीं चाहिए, कोई सब्सक्राइब नहीं चाहिए, बस अर्थ आप लोगों को शेयर ज़रूर करना है। और यदि आप लोग MCG एकेडमी का कोई फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है पेटीएम फ़ोनपे अकाउंट नंबर मिल जाएगा। ओके, और धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, हर वीडियो को पूरा अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर 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 सुनिए। बेटा नमस्कार सर, मैं MCG एकेडमी ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जी सर नमस्कार। सर आपका जो है RPF का ट्रेड टेस्ट था। जी सर। आपका RPF का ट्रेड टेस्ट आज ही था ना? जी सर आज ही था। और आपका क्वालिफाई हो गया? यस सर। बहुत बहुत बधाई हो सर, आपका जो है क्वालिफाई हो चुका है सर। जी सर, आप जो है अपने भाइयों को सर थोड़ा सा बताना चाहोगे किस प्रकार से, क्या सर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे आप? जी काहे नहीं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए सर, हर चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करना जिस प्रकार से बंदों का मतलब कोई भी डाउट हो सारे डाउट क्लियर हो जाए सर। जी 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 सर। और सर आपको हमारी वीडियो से कोई हेल्प मिली? सर बहुत हेल्प मिली, आपकी वीडियो अगर नहीं देखे होते तो मेरा सिलेक्शन होता ही नहीं पारी बात। हाँ सर, जब से आप वीडियो सर बना रहे थे शुरू से अंत तक मैंने आपका ही वीडियो सर देखा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए सर। सर अगर आप वीडियो नहीं बना रहे तो सर सिलेक्शन मुश्किल ही था, क्योंकि सर बात यह है कि वहाँ बहुत टफ सिलेक्शन हो रहा है। हाँ। हमने आपका वीडियो 142 नंबर जो लड़का बोल रहा था। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं सर। हाँ। मैं सर विवेक प्रताप मिश्रा इलाहाबाद UP से बोल रहा हूँ। हाँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, जैसे आप सुबह सुबह पहुँच जाइए 5:30 बजे वहाँ पे। हाँ। 5:30 बजे पहुँचने के बाद वो एंट्री ले लेते हैं। हाँ। 8:30 बजे तक एंट्री लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। जैसे आपका कहाँ था सर? सर सराय रोहिल्ला दिल्ली में था सर, RPSF केंद्र। हाँ सर जी। तो सर एंट्री लेने के बाद वहाँ बैठाएंगे, रोड है, रोड पे ही अंदर वो उनका ग्राउंड है सर। 3-4 जगह बैठाते हैं, उसके बाद लगभग 50-50 का बैच की 56-56 का बैच ऐसे कुछ बनाते हैं शुरू में। उसके बाद सर 15-20 मिनट वहाँ बैठाने के बाद ये सब प्रोसेस यानी मान लीजिए आधे घंटे में हो जाता सर। उसके बाद वहाँ से उठाने के बाद 20-20 का बच्चों का बैच बनाते हैं। 20-20 में सर 1 मिनट में आटा को गूंथना रहता है। तो उनके ऊपर है सर, मूड के ऊपर है किनको लेंगे किनको नहीं लेंगे सर। लेकिन उनके सामने जो ज्यादा आटे में जैसे ज्यादा पानी जो डाल देता है। हाँ। तो फिर गिरा देता है तो उसको नहीं लेते हैं उसका, शुरुआत में डिस्क्वालीफाई कर देते हैं या मतलब बाद में नहीं लेते हैं? नहीं नहीं, शुरुआत में डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। जब आप बताइए सर, 4-4 कमांडेंट IPS रैंक के बैठे रहते हैं। हाँ। तो उनके सामने अगर आप थाली में ज्यादा पानी डाल रहे हैं फिर गिरा रहे हैं नीचे, तो फिर गलत प्रभाव पड़ता है उनको। हाँ। इसी की वजह से ज्यादा लड़के को डिस्क्वालीफाई कर दे रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ सर, तो यही सब है। सेकंड में हम लोग 20 बैच में 4 लड़कों का सिलेक्शन हुए सर। हाँ सर। तो टोटल हो जाने 550 लड़के थे, 550-500 करीब में थे सर। हाँ। तो टोटल हो जाने के बाद लगभग 1-1 घंटे बाद। हाँ। 1-1.5 घंटे प्रोसेस पूरे चलता है, टोटल 20 लड़कों वाला बैच खत्म हो जाता सर। हाँ सर। उसके बाद आता है फिर उसमें से 20 में से 10 बच्चों को बुलाते हैं। हाँ। 10 बच्चों में सर ऑप्शनल देते हैं, या तो ऑमलेट बनाओ या तो रोटी पकाओ। हाँ। 5 मिनट का टाइम रहता सर। हाँ। तो 5 मिनट में सर आपके मर्जी के ऊपर है, वहाँ बोलते हैं कि किसको ऑमलेट बनाना उधर बैठ जाए, जिसे रोटी बनानी इधर बैठ जाए। यस सर। तो सर हम ऑमलेट बनाए थे। हाँ। आप जो सर एक बार वो ऑमलेट दिखाए थे, कहाँ की कोई ग्वालियर के आप गए थे शायद, वीडियो बनाए थे सर? बिल्कुल सर, हमने बहुत ऐसी बात नहीं है, लगातार समय जब भी मार्केट में जाता हूँ तो मेरे मन में बिल्कुल जहन में रहता है कि आज बच्चों के लिए कुछ नया करना है। आज भी सर मैंने आपने वीडियो देखा होगा शायद, तो मैंने बच्चों के लिए
खुद से मतलब सारी सब्जियां काट करके सब कुछ करके दिखाया, क्योंकि आज जो सुमित जी जो जिन्होंने मेरा चैनल शुरू करवाया, सर। मतलब जो खुद से आरपीएफ में है, तो जी वो सर आज जी आए हुए थे, तो उन्हीं की मदद से, क्योंकि मुझे मैं लगातार एक्सपीरियंस वीडियो सुनता रहता हूँ, कम से कम मैंने 200 से 250 लोगों का एक्सपीरियंस सुना है, जी सर तो मुझे भी अच्छा खासा अनुभव हो गया। और आज वो खुद भी आए हुए थे, तो उनके मतलब उनके सानिध्य में, मतलब खुद थे, तो उनके सामने ही मैंने सब कुछ, एक खुद का भी वीडियो बनाकर डाला है। जितने बच्चों ने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, पहले नंबर पर जो चैनल है ना सर, आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से, जी सर उस चैनल पर मैंने डाला है। क्योंकि जो आरपीएफ ट्रेड टेस्ट नाम से चैनल है, वो हमारे सुमित जी का ही है, उन्होंने ही तैयार किया है, तो मैंने उनको, क्योंकि सर उन्होंने मुझे शुरुआत में सपोर्ट किया है, जिसने अपन को सपोर्ट किया उसे अपन को भी सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, जी काय नहीं सर तो वो ही सर, उसने उन्होंने हमें सपोर्ट किया, आरपीएसएफ उन्हीं का है, तो इसी कारण से मैंने उनके लिए जो है वीडियो बनाना शुरू किया है। तो उनका भी चैनल जो है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस भाई ने आपके लिए इतना सब कुछ किया है, प्लीज़ उनका चैनल जरूर 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 सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब से हैं, उनका जी चैनल जी है आरपीएसएफ, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद से ही जॉब से हैं। डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर ही मैंने अपने खुद के चैनल को नीचे रख दिया है, उनके चैनल को फ्रंट पर इसीलिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि उन्होंने ही सर, ये गुरु गुरु होता है सर, क्योंकि कोई भी हो जिसने अपन को राह दिखाई, वो अपने लिए गुरु होता है सर। ये तो बात सही सर, जैसे आप हमारे लिए सर गुरु ही समान है, आप जो भी समान हम मान ले गुरु ही समान है सर। अगर मैंने आपका वीडियो शुरू से अंत तक नहीं देखा होता तो मैं 100% कह सकता हूँ क्वालिफाई नहीं होता। हाँ सर, वही नहीं सर, अब तो आपका हो गया सर जो भाग्य में है, और फिर भी लेकिन सर आपको थोड़ा इतना मैं कह सकता हूँ कि यदि जो है थोड़ा गाइडेंस नहीं मिलता है, तो बिना गाइडेंस, विदाउट गाइडेंस तो हम नहीं कर सकते, इतना तो कंफर्म है, फिर भी नहीं लेकिन कर सकते सर, काहे से हम शुरू से लगभग सर बताइए लगभग 30 40 40 से वीडियो देख रहे थे, 100 लगभग 120 125 तक वीडियो पूरा देखे हैं आपके सर, 40 तक यहाँ तक 140 तक देखे थे। हाँ हाँ सर, हाँ सर, तो आपका सेकंड राउंड में क्या करवाया सर आपसे? हाँ सेकेंड राउंड में सर तो फिर 10 10 बच्चों का बैच बनाया सर, तो सर, हमारा ऑमलेट था सर। ये कोई जरूरी बात नहीं होता, ये वीडियो में कोई मेरा भाई बोल रहा था कि अगर आप आ रही खड़े होते तो ज्यादा चांस होता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हाँ जैसे ऑमलेट को 5 सीटी मारेंगे या सीटी मार देंगे, कहेंगे 5 मिनट शुरू है, तो 5 मिनट में आप गैस खोलिए, धीरे से उसको तावे रखिए पहले, और हाँ गैस थोड़ा धीमा कर लीजिए और तावे पे तेल तेल डाल दीजिए। जी हाँ जैसा कि मैंने आज एक और वीडियो डाला है शायद से। हाँ सर, तो तेल डालने के बाद सर वहां से पहले सब प्रक्रिया हटाइए, 5 मिनट पहले वहां से थाली देते हैं, कांसे थाली धुल लीजिए, थाली धुलने के बाद एक अंडे उठाइए, उसके बाद गिलास वहां रहती है, चम्मच उठाइए और एक मिर्चा और प्याज, प्याज जो उठाना छोटा सा उठाना या बड़ा उठाना उसे आधे से कम डालना, हाँ और उसको बहुत छोटा छोटा कर देना, काहे से बड़ा रहता है तो थोड़ा ऑमलेट दिक्कत होता है, फट भी जाता है, अगर बड़ी प्याज रहती है दिक्कत हो उनको सर, क्या रहे हैं उनको क्या करना है, नहीं लेना नहीं लेना है, लेकिन बिल्कुल सही क्या सर, होता अगर छोटा छोटा सा करेंगे बहुत बेहतरीन होता है। तो हाँ सर, यह है, उसके बाद सर पानी टाइम दिए हैं, उसके बाद तेल डाल दिए तवे पे और हल्का हल्का धीमा कर दीजिए आज, उसके हाँ बाद ये जान लीजिए सर 3 मिनट 3.5 4 4 मिनट तक ऑमलेट हाँ सर, ऑमलेट बना रहा पहले से, हम निकालते अपने भाइयों से जिसका भी ट्रेड टेस्ट 2 4 दिन में है, वो पहले से कम रेगुलरिटी दिन में 3 बार 4 बार ऑमलेट बनाए घर पर ही या कहीं तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी, बिल्कुल सर, यदि ऐसा करके जाओगे तो होने के बहुत चांस बढ़ेंगे सर। 100% 10 चांस सर हमारा, जबकि था कि आज ही था, इससे पहले हम सर कम से कम मान लीजिए 1 कैरेट तो हम ऑमलेट बना ही दिए, हम सर तैयारी करते इलाहाबाद प्रयागराज में, हाँ तो यही लाज में ही रहते हैं, तो बच्चों बच्चों का भी काफी हेल्प था, तो हम स्वयं अपने हाथ से बनाते थे सर, तो हाँ बिना सर कुछ किए तो आप ऐसा सिलेक्शन होना मुश्किल है, कम से कम बिल्कुल, तैयारी तो तो घर से ही करना चाहिए। मेहनत तो सर करनी पड़ेगी सर। जी सर, इसी की वजह से तो हम बोल रहे थे सर, एक भाई बोला कि ऐसे कुछ नहीं, हम आई जाए, देखिए सर कोर्ट और जाने से कुछ नहीं होगा, पहली बात तो हम ये बोल रहे हैं डायरेक्ट वहां क्या बोलते हैं सर, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा मैं उसी को लूंगा, तो बिल्कुल सर, 10 बच्चों में सर 3 बच्चे सिलेक्ट हुए सिर्फ, हाँ जिसमें से मैं था और 2 और थे सर, तो हाँ क्या हुआ कि गिलास में घोरने के बाद अंडा थोड़ा फूटने के बाद गिलास में घोरिए चम्मच से, ठीक है हाँ सर, तो उसमें
जो है नमक हल्का डालिए, ज्यादा तेज मत डालिए। ज्यादा हाँ तेज डाल देंगे तो स्वाद बेकार होगा, हल्का रहेगा तो चल जाएगा। तो हाँ डालने के बाद तवा थोड़ा, भाई पाले से जला है तो उसको थोड़ा और धीमा करने के बाद उसको डाल दीजिए। ऐसी कोई बात नहीं सर, जिसका कोल नहीं होता उसको नहीं लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं सर। पहली बात, काहे से जो उधर वाले बच्चे का लिया था उसका गोल नहीं था सर, हमारा तो गोल था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको ना तो ज्यादा तेल रहना चाहिए। हाँ और एक बात, अंडा ज्यादा लाल नहीं होना चाहिए, आधा आधा कच्चा रहेगा और आधा लाल, थोड़ा थोड़ा लाल रहेगा चलेगा, लेकिन अगर पूरा लाल हो गया तो तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दे रहे हैं। हाँ हाँ और सर इसमें दलाली तो सर हम मान ही नहीं सकते, दलाली चल रही है हाँ सर पूरा यकीन के साथ कहते हैं सर। हाँ हाँ सर और सर जो आपको पूछना है फिर बताइए। सर मैं आपसे सीधा एक बात पूछना चाहता हूँ सर, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था सर, आप जो है एमसीजी एकेडमी को कोई डोनेशन देना चाहते हो सर? जी सर, काहे नहीं देना चाहते सर, बिना गुरु का दक्षिणा दिए कोई उद्धार नहीं होता सर, ऐसी बात नहीं है, देंगे सर। बोलिए सर आप क्या देना चाहते हो? मतलब जो है सर हर दिन हम बच्चों की जो है लिस्ट तैयार करते हैं, तो आप बताइए सर, मैं आपके जो सभी बच्चों के सामने बिल्कुल खुल के रखना चाहता हूँ। आज हमारे एक भाई ने जो है 10 रुपये डोनेट किए थे, और उससे पहले हमारे एक भाई ने जो है 1,000 रुपये, और एक भाई ने हमारे 501 रुपये। उन तीनों के, उन 4 लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और सभी से रिक्वेस्ट है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपसे जी जी यदि सर, 1 रुपये भी देते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ, यदि मुझे कुछ भी ऐसा अच्छा, मतलब सर एक तरीके से अच्छा फीलिंग आता है, मीन्स जैसा भी जी हो, सर मतलब कोई भी सर, आप मतलब कितना कुछ देना चाहते हो जो भी हो सर, आप बोल सकते हो सर। सर हम बोल सकते हैं, काहे नहीं बोल सकते सर, आपके वजह से हमारा सिलेक्शन हो गया है, नौकरी हाँ पाने की पूरी उम्मीद है सर। बिल्कुल हमारे तरफ से सर पूरा, अगर आप पेटीएम नंबर कोई चलाते हो तो दे दीजिए, 2,000 टोटल हम दे देंगे सर। सर, यही सर मेरा पेटीएम नंबर है सर, मैं ऑल हर जो है हर उसके डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ सर, ये मेरा पेटीएम नंबर है, यही फ़ोन पे नंबर है, जी और सर सर मेरा अकाउंट नंबर, हर चीज़ मेरा डिटेल जो है और डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में डालता हूँ, जिससे कोई भी बच्चा यदि कुछ देना चाहता है तो बिल्कुल सपोर्ट करें। और इसके लिए सर आपने 2,000 रुपये की घोषणा की है, तो सभी बच्चे जो भी सुन रहे हैं, तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि 2,000 नहीं दे सकते, भाई ने 2,000 की घोषणा की है, तो इसके लिए सर मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका जो है अतुल्य योगदान है अभी तक का, क्योंकि जी सर, अभी तक हमारे हाईएस्ट जो है 1,000 रुपये थे हमारे। सर आपका शुभ नाम क्या है सर? सर हमारा नाम विवेक प्रताप मिश्रा। विवेक प्रताप मिश्रा जी, सर आपने 2,000 रुपये की घोषणा की है, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जी सर सर धन्यवाद जो है आप क्या पेटीएम के थ्रू देना चाहते हो ना सर? सर, फोन पे से कर देंगे सर। विवेक यस सर, यही सर है मेरा नंबर, अमित मिश्रा जी है ना आपका नाम? मिश्रा सर, विवेक, यस सर, मैं क्या है पूरे नाम जो है नोट करता हूँ सभी से, और सभी लोगों का जितने भी लोग हैं सर, मैं किसी से भी फोर्स नहीं करता हूँ सर, आपने अपनी स्वेच्छानुसार देने की घोषणा की है, इसके लिए बहुत जी ही जी सर, जिसके धन्यवाद। पास जो भी है सर, 2,000, 10,000, 5,000, 2,000, वो बिल्कुल भी दे सर, सकते हैं, कोई जरूरी नहीं सर कि मतलब सही किसी बोल रहे को हैं सर। फोर्स मैंने अभी तक नहीं किया सर। जी सर, ओके सर, सर और कुछ आप बंदों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो सर? मैं बंदों को यही बोलना चाहता हूँ, जिसका भी आज या कल या परसों, यानी 25 तक तो बोल रहे थे चलेगा वो लोग, हाँ 25 तक, तो हाँ सर हम यही बोलना चाहते हैं कि वो घर पर प्रैक्टिस करके जाए। हाँ बिना प्रैक्टिस के सर ना हो तो इसके ऊपर इल्जाम लगाना गलत है। वो जो 143 की 42 नंबर आप वीडियो लड़का बोल रहा था सर, हम कोर्ट जाएंगे, अरे सर कुछ नहीं होगा, हम तो जान रहे हैं सर, शायद वहां दलाली नाम की कोई चीजें नहीं चल रहा है सर। अगर उसकी रोटी सही बनी होती तो ऐसा हो नहीं सकता सर, उसी बच्चे में किसी सेलेक्ट किए तो उसको काहे नहीं सेलेक्ट किया, ऐसी कोई बात नहीं, उसकी रोटी जली रही होगी कहीं ना कहीं। ऐसा है, मतलब उसका कोई चांस नहीं है कोई भी, मतलब यदि कुछ कहे तो। कुछ नहीं होगा सर। और जो बता रहे थे ट्रेड टेस्ट और मतलब रिटर्न टेस्ट, उसी के हिसाब से अब भाई इतने बंदों ने, और सीट है 52 सीट, हाँ आरपीएसएफ में सिर्फ 52 सीट है जनरल के, और अदर मान लीजिए 200 कुछ, कितना 100 कुछ सीट होगी, तो भाई इतने लड़के क्वालिफाई, उनको तो छाटना है स्वाभाविक, अभी तो मेरिट आएगी, मेरिट में कितने बच्चे छटेंगे, बिल्कुल सर, ऐसी कोई बात नहीं सर, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ और एक बात यह है हाँ सर,
अधिकारियों के सामने ना तो सीना तान के खड़े हो, थोड़ा झुक के खड़े हो, मासूमियत चेहरा बना लीजिए बस। ये तो मेरी पहचान है, हम जैसे सिलेक्ट हुए वैसे बता रहे हैं। बिल्कुल सर, ये भी एक बात है, क्योंकि अधिकारियों के सामने यदि आप सीना तान के खड़े हो गए तो अधिकारी को भी थोड़ा गिल्टी फील होता है। बिल्कुल, ये भी आपका कहना बिल्कुल सही है सर। जी सर, काहे से हम सर पहले कोई भी आटा उठाने से पहले फर्स्ट राउंड में हमने ये भी देखा, सभी अधिकारियों को देखा, और सेकेंड राउंड में भी आमलेट चखते हैं सर, आमलेट खाते हैं, दो तीन अधिकारी खाते हैं, और जो पहले चखने से पहले आपका चेहरा देखते हैं, किस स्टैंड में आप खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, उसके बाद आमलेट की तरफ ध्यान जाता है उनका सर। ऐसा क्या? ऐसा सर, इसी की वजह से तो हम देख रहे थे सर, हमारे पाले वाले बैच में जैसे जैसे जो नॉर्मल लड़के ठहरते उनको सिलेक्शन हो जा रहा था, थोड़ा भी हल्का अगर नहीं सही था ना तो भी सिलेक्शन हो जा रहा था। तो ये सब छोटी छोटी चीजें भी सब कुछ देखी जा रही है। जी सर, और तो सर दलाली तो कोई अब हम क्या बोल सकते हैं, हो ही नहीं सकती, का हम स्वयं उस चीज से गुजर कर आए हैं तो कैसे माने। हाँ सर बिल्कुल। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है अपना कीमती समय दिया, और सर बहुत बहुत इसके लिए भी आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एमसीजी एकेडमी को 2,000 रुपये दिए। बहुत जी बहुत सर, धन्यवाद सर। आप सर अपना एक फ़ोटो भेज सकते हो इसी नंबर पर सर। जी सर, हम भेज देंगे सर। सर जस्ट अभी भेज दीजिए सर।